अभी आपको बताएं, लाहौर में तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया इंचार्ज अजहर मिशवानी को घर के बाहर से नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे अतीक मलिक से। जी अतीक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इमरान खान के सोशल मीडिया फोकस पर्सन अजहर मिशवानी को आज जो है वो अगवा कर लिया गया है। अजहर मिशवानी को उनके घर के बाहर से जो है वो अगवा किया गया है, जबकि इस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो उनकी रिहाई के हवाले से मुतालबात कर रहे हैं, जबकि उनकी जो अहलिया है उनकी जानब से भी सोशल मीडिया पर जो है ट्वीट किया गया है। उनका कहना था कि अजहर मिशवानी को 3 बजे के करीब जो है वो घर से जो है वो अगवा किया गया है। 2:51 के करीब उस वक्त वो अगवा किया गया जब वो अपने घर से सलमान पार्क के लिए रवाना हो रहे थे, और उन्होंने जो दरख्वास्त किया है सबसे कि अगर कोई अजहर मिशवानी के बारे में कोई मालूम रखता है तो उनको इन्फॉर्म करें। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा है और जो जो एडिशनल सेक्शन इंफॉर्मेशन है हसन खबर, उन्होंने ट्वीट किया है। उनका कहना है कि इस जुर्म जो है वो बहादुरी से सच बोलना है, जबकि एक के बाद एक गिरफ्तारी जाहिर करती है कि हुकूमत सच से कितना डर रही है। जी लाहौर में तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया इंचार्ज अजहर मिशवानी को घर के बाहर से नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है। हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे अतीक मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अजहर मिशवानी की गिरफ्तारी पर इजहार मजम्मत करते हुए कहा कि बस बहुत हो गया, पंजाब और इस्लामाबाद में पुलिस कानून को तोड़ रही है, पुलिस तहरीक इंसाफ को निशाना बना रही है। अभी तक अजहर मिशवानी का कोई पता नहीं चल सका। 18 मार्च को शिबली फराज और उमर सुल्तान को पुलिस ने जदोकोप किया।